प्रदेश के शिक्षित बेरोजगारों को सरकारी नौकरी के लिए आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट 5 वर्ष के लिए आगे बढ़ाई गई है। आयु सीमा का लाभ 31 दिसंबर 2028 तक मिलेगा। स्थानीय निवासियों को इसकी पात्रता होगी। यह निर्णय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की कैबिनेट बैठक में लिया गया। छत्तीसगढ़ की साय सरकार की कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए, जिसकी जानकारी देते हुए डिप्टी सीएम अरुण साव ने बताया कि 5 साल की छूट मिलने के बाद आयु सीमा 40 वर्ष हो जाएगी। वही विशेष वर्ग के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 साल रहेगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने पुलिस विभाग में पदों को छोड़कर सरकारी नौकरियों के लिए राज्य के निवासियों को आयु सीमा में 5 साल छूट देने का फैसला किया है। छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट की अवधि को आगामी 5 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया है। अभ्यर्थियों को आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट का लाभ 31 दिसंबर 2028 तक मिलेगा। छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को अधिकतम आयु सीमा में 35 वर्ष दी गई 5 वर्ष की छूट अवधि को 1 जनवरी 2024 से 31 दिसंबर 2028 तक अर्थात 5 वर्ष तक बढ़ाए जाने और एवं अन्य विशेष वर्गों के लिए अधिकतम आयु सीमा में देय छूट को पूर्ववत 45 वर्ष यथावत निर्धारित है। यह छूट गृह विभाग के लिए लागू नहीं होगी। इसके अलावा छत्तीसगढ़ पुलिस के जिला पुलिस आरक्षक संवर्ग में भर्ती के लिए वर्ष 2018 में जो प्रक्रिया चल रही है, इसमें भी अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ा फैसला लिया गया। सरकार ने फैसला किया है कि कांस्टेबल के पद के लिए आवेदन करने वाले पुरुष उम्मीदवारों की ऊपरी आयु सीमा में 5 साल की छूट दी जाएगी। ये ध्यान में रखते हुए कि उनकी भर्ती लंबित थी। बता दें कि साल 2018 में राज्य पुलिस की ओर से कांस्टेबल के 2,259 रिक्त पदों के लिए भर्ती शुरू की गई थी। लगभग 5 वर्षों के बाद गृह विभाग द्वारा कांस्टेबल के 5,967 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था, जिसके लिए उम्मीदवारों के ऑनलाइन आवेदन दाखिल करने की प्रक्रिया चल रही थी। एक अन्य फैसले में कैबिनेट ने राज्य में न्यायपालिका से पूरी तरह से राजनीतिक मामलों को वापस लेने के लिए एक उप समिति गठित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। विशुद्ध रूप से राजनीतिक आंदोलनों से संबंधित प्रकरणों की वापसी लिए जाने के लिए समीक्षा कर अपनी अनुशंसा करने हेतु मंत्री परिषद की एक उप समिति गृह मंत्री एवं उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी की अध्यक्षता में गठित करने का निर्णय लिया गया। सरकार के इन फैसलों से प्रदेश के हजारों युवाओं को सीधे तौर पर फायदा मिलेगा। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार की 5वीं बैठक हुई। सरकार ने अब हर सप्ताह कैबिनेट की बैठक लेने का भी फैसला ले लिया है। ऐसे में अब बीजेपी अपने घोषणा पत्र, जिसे मोदी की गारंटी कहा गया है, इसके वादे को अमल करने पर फोकस कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, छत्तीसगढ़ तक।